हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है रामनवमी, तो मैं रामनवमी का प्रसाद बना रही हूँ। इसमें मैंने छोले उबलने रख दिए हैं और इधर दूध गर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं। इधर मैं चाय बना रही हूँ, ऊपर से सीटी आनी शुरू हो चुकी है। और इधर मैंने आटा लगा रहा है, पूरियों के लिए मैंने आटा निकाल लिया है। तो चलिए पूरी बनाते हैं, साथ में आलू की सब्जी बनाएंगे और उसके साथ हम बनाएंगे हलवा भी बनाएंगे अभी। और सुबह का दिन है, निक्स उठ चुका है, बेटी नहाने जा रही है, सर शर्मा जी उधर पूजा कर रहे हैं। और बाहर का मौसम भी बहुत सुहाना है, देख सकती हैं। जैसे ये सारा प्रसाद वगैरह बन जाएगा, कन्याओं को बुला के कन्या भोज कराएंगे। और इधर सारा अभी काम चल रहा है, फैला हुआ है, तो अभी तो पूरा घर की सेटिंग हुई नहीं है, जल्दी ही हो जाएगी। तो चलिए हाँ, प्रसाद बना लेती हूँ, उसके बाद आपको पूजा करते वक्त मिलती हूँ मैं। जय माता की। तो गाइस, आप देख सकते हैं मंदिर की पूजा हो चुकी है, भोग लग चुकी है। और देखिए हमारी खेतड़ी भी कितनी सुंदर दर्शन दिए हैं माता रानी ने। इधर भी आप दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के। जय माता की, जय माता की, जय जीन माता की। गाइस, इधर प्रसाद बन चुका है, हलवा मैंने बना लिया है, ड्राई फ्रूट का हलवा है, आप देख सकते हैं। और इधर बना रही है मैंने काले छोले भोग के लिए। कढ़ाई इधर रख दी है, पूरी ही उतारने वाली हूँ बस जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया, सबको अपने अपने ऑफिस जाना है। तो जल्दी से कंजक जिमाते हैं, पूरी में उतारती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो गाइस, जय माता की। खाना मैंने सारा बना लिया है जल्दी जल्दी में, अभी बाल भी मैंने नहीं धोए हैं क्योंकि लेट हो रही थी, पूजा करनी थी, बेटी को भी अपने क्लासेस जाना था और सबको अपने अपने ऑफिस जाना था। तो मैंने कहा जल्दी से अपना खाना वगैरह बना लेते हैं। और इधर मैं अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ पूरी के लिए, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरी के साथ थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी भी चाहिए होती है, तो वो अभी बन रही है। तो आपको पूजा करती हूँ, पूजा की थाली भी मैंने लगा ली है, ये रही, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए पूजा करते हैं और कंजक जमाते हैं, तो आपको फिर से मिलते हैं। हमारी कंजकें आ चुकी है, बच्चों जोर से जयकारा लगाओ, बोलो साचे दरबार की, साचे दरबार की, साचे दरबार की, जय माता की। आ रहे हैं जी कंजकों को चुन्नी उड़ा रहे हैं। चलो अभी पिंची भी आ चुकी है, पिंची थोड़ी लेट हो गई है, अपने फ्रेंड्स को लेके आई है कंजक करने। तो पिंची जय माता की। और ये पिंची की फ्रेंड्स हैं, हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसा लग रहा है? सबके टीका लगाओ, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, आर्यन को आशीर्वाद दें। गाइस, मैं भी अपना प्रसाद लेके बैठ चुकी हूँ, सब अपने प्रसाद वगैरह खा के सब चले गए हैं, अपने अपने ऑफिस काम पे चले गए हैं, कॉलेज चले गए हैं, मैं ही हूँ घर पे। बस मैं भी ज़रा अपना थोड़ा सा प्रसाद माता रानी का ले लूँ, उसके बाद बाकी जो है सारे काम वगैरह करने हैं वो काम घर गए। अभी तो आपको पता है सारे काम हुए नहीं है, सिर्फ पूजा और किचन वगैरह का सारा काम बाकी है, और लेबर भी आने वाली है क्योंकि घर में वाइट वॉश चल रहा है। तो अब आपको मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ऐसे ही आगे भी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू गाइज, थैंक यू। जय माता की। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करें। जय माता की।